हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्पेशल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कॉकरोच के बारे में कि कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो आकार में तो छोटा है लेकिन अच्छे खासे इंसानों को भी डराकर रख देता है। कॉकरोच अपनी गंदगी से घर में बीमारियां लाने का काम करते हैं और तो और यह बिना सिर के लगभग 9 दिनों तक जिंदा रह सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉकरोच से जुड़े हुए कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जिनसे आप आज तक अनजान हैं। लेकिन इससे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कॉकरोच से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में। नंबर एक, कहने को तो कॉकरोच बीमारियां फैलाते हैं लेकिन कई देशों में लोग कॉकरोचों को अपना भोजन बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, चीन और थाईलैंड समेत कुछ देशों में कॉकरोच को फ्राई करके बड़े चाव के साथ खाया जाता है। नंबर दो, सभी कॉकरोचों के अपने अपने पड़ोसी कॉकरोच होते हैं क्योंकि कॉकरोच हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं। अगर कोई कॉकरोच ज्यादा समय तक अकेला रह भी जाए तो वह बीमार पड़ जाता है। दोस्तों, यदि आपको आपके घर में कहीं भी कॉकरोच दिखाई दे तो सावधान रहिए कि वह अकेला नहीं होगा, उसके साथ ही बंधु भी उसके साथ अवश्य होंगे। नंबर तीन, संसार में कॉकरोचों की लगभग 4600 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से सिर्फ 30 प्रजातियां ही मनुष्य के निवास स्थानों पर रहती हैं। नंबर चार, एक कॉकरोच का औसतन जीवन काल लगभग 1 साल तक का होता है। कॉकरोच को जवान होने में लगभग 4 महीने लगते हैं। नंबर पाँच, एक कॉकरोच अपनी सांस को 40 मिनट तक रोक कर रख सकता है, इसी कारण से यह लगभग 30 मिनट से भी ज्यादा समय पानी के अंदर रह सकते हैं। नंबर छह, कॉकरोच के 18 घुटने होते हैं। कॉकरोच की टांग टूटने पर फिर से नई उगाती है। यह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। नंबर सात, कॉकरोच बच्चों में एलर्जी और अस्थमा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। कॉकरोच जहाँ रहते हैं वहाँ पर 33 अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया फैलाते हैं। नंबर आठ, माना जाता है कि कॉकरोचों का विकास 12 से 30 करोड़ साल पहले हुआ था, यानी कि डायनासोरों से भी पहले। नंबर नौ, नर कॉकरोच मादा कॉकरोच से छोटे होते हैं। नंबर दस, छिपकली और मकड़ियां कॉकरोच की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। यदि कॉकरोच और छिपकली या फिर कॉकरोच और मकड़ी आमने सामने हो तो दोनों एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं। नंबर 11, कॉकरोच ठंडे खून वाले प्राणी होते हैं, जिस कारण से वो लगभग 1 महीना बिना खाए भी रह सकते हैं। पर एक तथ्य ऐसा भी है कि कॉकरोच 1 या 2 हफ्ते से ज्यादा प्यासे नहीं रह सकते। नंबर 12, अगर कुछ लोगों को सिर्फ 1 से 2 इंच की लंबाई तक के कॉकरोचों से डर लगता है तो उनकी भलाई इसी में है कि वो कभी दक्षिण अमेरिका न जाए, क्योंकि वहाँ पर 4 से 6 इंच तक की लंबाई के कॉकरोच पाए जाते हैं। नंबर 13, कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष पाए जाते हैं। नंबर 14, आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो सबसे ज्यादा पादने वाले जानवरों में से एक है। कॉकरोच एक दिन में हर 15 मिनट के अंदर पादते हैं। नंबर 15, वैसे तो आम इंसानों और जीवों के खून का रंग लाल या हल्का लाल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉकरोच के खून का रंग सफेद होता है? तो दोस्तों, आइए जानते हैं सिर कटने के बाद भी 9 दिनों तक जिंदा रहता है कॉकरोच। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि कॉकरोच सिर कटने के बाद भी लगभग 9 दिनों तक जिंदा रहता है, लेकिन यह किसी चमत्कार या जादू की वजह से नहीं बल्कि उनके शरीर में मौजूद एक खासियत की वजह से होता है।
दरअसल कॉकरोच अपने नाक से सांस नहीं लेते बल्कि उनके शरीर में कई सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों की मदद से वह सिर कटने के बाद भी 9 दिनों तक जिंदा रह सकता है। क्यों हो जाती है 9 दिनों बाद कॉकरोच की मौत? दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वह नाक से सांस नहीं लेता तो 9 दिनों बाद उसकी मौत क्यों हो जाती है? इसका जवाब है भूख और प्यास। जी हाँ दोस्तों, एक कॉकरोच अधिकतम 1 या 2 हफ्तों तक प्यासा और 1 महीने तक भूखा रह सकता है। इसीलिए जब कॉकरोच का सिर काट दिया जाता है तब वह 8 या 9 दिनों तक जीवित रहता है और उसके बाद प्यास की वजह से वह मर जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।